राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल के श्री राधे कृष्णा सिंगार में आपका स्वागत है। आज अपनी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वह चीज़ें क्या हैं, वस्तुएं क्या हैं जिन्हें हमें पूजा में ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। पूजा तो हम सभी मन से करते हैं, लेकिन अज्ञानतावश कई गलतियाँ भी कर जाते हैं। आइए अब हम सभी जानते हैं कि वह नियम क्या है जिन्हें हमें पूजा में अपनाना चाहिए, या वह गलतियां क्या हैं जिन्हें हमें पूजा में नहीं करना चाहिए। भगवान शिव हो या उनके अंश हनुमान या फिर गणपति, हम सभी अपने इष्ट की पूजा मन से करते हैं, लेकिन कई बार जानकारी न होने पर कुछ कमियां भी पूजा में रह जाती हैं, जिसके चलते हमें पूजन का पूरा फल नहीं मिल पाता। व्रत त्यौहार में हम सभी दिल से पूजन करते हैं और जहाँ तक हो सके विधि में कोई चूक नहीं करते, लेकिन अज्ञानतावश पूजा के दौरान कुछ चीज़ों को हम जमीन पर रख देते हैं, जिससे पूजा का पुण्य हमें नहीं मिल पाता है। पूजा में जमीन पर किन चीज़ों का रखना निषेध माना गया है, इसका उल्लेख ब्रह्मवेवर्त पुराण वैष्णव पुराण में किया गया है। ब्रह्मवेवर्त पुराण के अनुसार किसी भी पूजन में कौन कौन सी चीज़ें सीधे जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। दीपक को कभी भी सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे थोड़े से चावल रखने चाहिए। लकड़ी के बाजौट पर दीपक को रखना चाहिए। पूजा में सुपारी को सिक्के के ऊपर रखना चाहिए, इसे भी कभी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। शालिग्राम भगवान जी को भी ज़मीन पर ना बिठाएं, बल्कि उन्हें साफ रेशमी कपड़े पर ही बिठाना चाहिए। यदि आप पूजा में कोई मणि या रत्न रखना चाहते हैं तो इन्हें भी ज़मीन पर ना रखें, किसी साफ कपड़े पर ही रखें। देवी देवताओं की मूर्तियों को भी कभी भी मंदिर में ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। उन्हें भी हमेशा लकड़ी या सोने चांदी के सिंहासन या बाजौट पर थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित करना चाहिए। देवी देवताओं के वस्त्र आभूषण भी कभी ज़मीन पर नहीं रखने चाहिए। वस्त्र रखने से वो गंदे हो जाते हैं। भगवान को हमेशा पवित्र वस्त्र ही अर्पित करने चाहिए, इसीलिए भगवान के वस्त्र हमेशा किसी साफ थाल प्लेट में ही रखें या कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रखें। इसीलिए भगवान के वस्त्र आभूषणों को कभी भी ज़मीन पर ना रखें। जनेऊ को भी कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। जनेऊ को भी हमेशा साफ कपड़े पर रखना चाहिए, क्योंकि जनेऊ को भी देवी देवताओं को मुख्य रूप से अर्पित किया जाता है। आप जो भगवान जी को फल का भोग लगाते हैं उसे भी ज़मीन पर ना रखें। याद रखें कि किसी तांबे की प्लेट में ही फल का भोग लगाएं। आप भगवान जी को मंदिर में जिस जल का भोग लगाते हैं उस जल को भी चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर जल का लोटा रखें, या नीचे तांबे की प्लेट रख के उसके ऊपर जल रखें। अगर हम पूजा में यह छोटी छोटी सी सावधानियां बरतेंगे तो कभी भी हमारी पूजा हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।